सीटेट की परीक्षा में पेपर वन और पेपर टू दोनों में प्रत्येक सेक्शन में पैडागोजी के पंद्रह अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं अगर पेपर वन की बात की जाए तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास वाले तीस प्रश्न को निकाल दिया जाए तो बाकी के जो चार सेक्शन बचते हैं जिसमें मैथमेटिक्स ई और दो लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर चार सेक्शन मिला करके अगर पंद्रह अंक के पैडोगॉजी पूछे जा रहे हैं तो पंद्रह चौके साठ अंक सिर्फ पैडोगॉजी के हो रहे हैं और बाल विकास और बाल मनोविज्ञान वाले तीस प्रश्नों को जोड़ दिया जाए तो नब्बे प्रश्न कुल सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पैडोगलॉजी और शिक्षण शास्त्र से सी की परीक्षा में पूछे जाते हैं इसके अलावा यूपी टेट के 30 अंक के प्रश्न बाल विकास से तो पूछे ही पूछे जाते हैं अगर बात की जाए सुपर टेट की तो यहाँ पर देख लीजिए सुपर टेट के सिलेबस में शिक्षण कौशल से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं बाल मनोविज्ञान से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अलावा जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर अब समझ चुके होंगे आप कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का सेक्शन कितना महत्वपूर्ण है किसी भी टेट की परीक्षा को पास करने के लिए या फिर सुपर टेट की परीक्षा को पास करने के लिए टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने के लिए जो सब्जेक्ट वाले कॉन्टेंट है जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया या फिर ईवीएस हो गया इन सब के लिए आप स्टैंडर्ड बुक एन या फिर एस को प्रीफर करते हैं लेकिन बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र जैसे टॉपिक्स को कवर करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप लोग को अवेलेबल नहीं होती है एन की तरफ से जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इस पार्ट को किस बुक से कवर करें क्योंकि आप लोग देख लिए कि टेट की परीक्षा हो या फिर सुपर टेट की परीक्षा हो बहुत ज़्यादा अंक का वेटेज दिया जाता है इस बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के पार्ट को तो आपको भी एक स्टैंडर्ड बुक चाहिए होगा ताकि आप इस पार्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाए और आप पूरा निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें कि जो भी हम पढ़े वो स्टैंडर्ड है आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको दो बुक रिकमेंड करूंगा तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बाल विकास बाल मनोविज्ञान और पैडोलॉजी के सेक्शन को अच्छे से कवर करने के लिए मैं पहली बुक आपको रिकमेंड करना चाहूंगा शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा जो कि आलोक प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित किया जाता है और इनकी राइटर है डॉक्टर मालती सारस्वत यह बुक स्टैंडर्ड बुक है और इसमें जो भी कंटेंट दिया गया है वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है आप किसी भी परीक्षा में इस बुक को पढ़ करके जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट जो कंटेंट होते हैं परीक्षा के वो पूरा इसमें कवर किया गया है आप पैडागोलॉजी का सेक्शन देख लीजिए या फिर जो चाइल्ड डेवलपमेंट है और शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो भी कॉन्टेंट है पूरा इसमें डिटेल में कवर किया गया है और इस बुक को जो आप जब आप पढ़ेंगे तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप कहानी पढ़ रहे हैं और कम समय में आप अगर इस बुक को कवर कर लेते हैं तो आपका जो पैडागोजी का सेक्शन और बाल मनोविज्ञान का सेक्शन या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन जो भी आता है किसी भी परीक्षा में चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो सी टेट की या फिर सुपर टेट की आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई लोकल बुक से पढ़ते हैं तो आपके मन में हमेशा ये संशय रहता है कि कहीं जो चीज़ें मैं पढ़ रहा पढ़ाऊँ वो सही है या नहीं या फिर जब उस बुक के कंटेंट को आप कहीं सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं या फिर किसी दूसरे बुक में देखते हैं तो वहाँ पर आंसर्स मिसमैच होते हैं जिसको लेकर के आपके मन में भ्रम की स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाती है और आप एक तरीके से मानसिक रूप से व्यथित हो जाते हैं इन सब को दूर करने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड बुक ही प्रेफर करना चाहिए ताकि कम से कम आप क्लियर रहें कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं तो पहला बुक हो गया शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि आलोक प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित किया गया है और इनकी राइटर हैं डॉक्टर मालती सारस्वत यहाँ पर मैं दूसरा बुक आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि अरुण कुमार सिंह जी के द्वारा लिखा गया है और इस बुक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान इसमें भी पूरे कंटेंट आपके जो भी पैडोगॉजी से या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से या फिर शिक्षण शास्त्र से संबंधित आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और शिक्षक बनने की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरा कंटेंट आपको इसमें डिटेल में कवर किया गया है यहाँ पर इन दोनों बुक में से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं और अगर आप दोनों बुक पढ़ना चाहते हैं तो दोनों बुक ले लीजिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और शिक्षण शास्त्र से संबंधित चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोलॉजी से संबंधित आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो आपका बिल्कुल क्लियर कर देगा ये दोनों बुक क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं बिल्कुल आपको कहानी के फॉर्म में अच्छे से समझाते हुए और आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा स्टार्टिंग से और जो भी आप डी के दौरान या फिर बी के दौरान जो आपके मन में कन्फ्यूजन रह गई होगी और शिक्षण शास्त्र से संबंधित तो वो सभी इन दोनों बुक को पूरा पढ़ने के बाद से आपके मन से पूरी तरीके से दूर हो जाएगी अगर आपके पास समय है तो आप दोनों बुक को जरूर पढ़ें और अगर आपके पास समय की कमी है तो दोनों में से कम से कम एक बुक आपको अवश्य पढ़ना चाहिए अगर आप शिक्षक भर्ती या फिर टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं किताबों की जो लोकल मार्केट होती है आपके शहर में वहां पर हो सकता है कि ये अवेलेबल ना हो क्योंकि बहुत सारे लोकल मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होती हैं इस वजह से मैं अमेजोन वेबसाइट की डेडिकेटेड लिंक आपको दे रहा हूं जहां से डायरेक्टली आप इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों बुक्स के परचेज लिंक के डायरेक्ट डेडिकेटेड लिंक दिए गए हैं जहां से आप डायरेक्टली इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शुभ हो